नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेक्स। बिहार टेक्स के आजकल में आज सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं की बात। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सीबीएसई 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल के लिए टाल दी गई है। 10वीं के नतीजे बोर्ड द्वारा तैयार किए गए मापदंड के आधार पर तैयार किए जाएंगे। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं बाद में होगी। बोर्ड 1 जून को स्थिति की समीक्षा करेगा। परीक्षाओं की शुरुआत से पहले कम से कम 15 दिनों का नोटिस दिया जाएगा। ये जानकारी शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा कि 4 मई से 14 जून तक आयोजित होने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। 10वीं क्लास के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली क्लास में भेजा जाएगा। अगर कोई छात्र मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है तो कोरोना से हालात सामान्य होने पर वह परीक्षा दे सकता है। पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्रालय के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने या आगे बढ़ाने को लेकर उठ रही मांगों के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को शिक्षा मंत्रालय के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। इसी बैठक में फैसले के बाद ही शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं को रद्द और स्थगित करने की घोषणा की है। इससे पहले विपक्षी नेताओं ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरों के मद्देनजर सीबीएसई परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की थी। कब होनी थी सीबीएसई की परीक्षाएं? 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलनी थी। वहीं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 15 जुलाई तक घोषित करने का ऐलान किया गया था। सीबीएसई की इन बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत 4 मई से होनी थी। सीबीएसई द्वारा जारी की गई डेट शीट के मुताबिक 6 मई को 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए इंग्लिश की परीक्षा आयोजित की जानी थी, 10 मई को हिंदी, 11 मई को उर्दू, 15 को विज्ञान, 20 को होम साइंस, 21 मई को गणित और 27 मई को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा ली जानी थी। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टेक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले। आप खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।